नमस्कार बीसी न्यूज के चुनावी महासंग्राम इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण में विदर्भ में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर के लिए जो है चुनाव होने हैं। और ऐसे में आज हम आए हैं चंद्रपुर में, जहाँ लोकसभा क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी है राजेश बेले। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप पर्यावरण के विषय में आपकी रुचि है, आप पर्यावरणवादी हो, पर्यावरण के लिए कार्य है और आप राजनीति में आए हो, तो ये कैसे, किस तरह से राजनीति में आए हो? चंद्रपुर औद्योगिक जिला है। औद्योगिक जिला होने के बावजूद भी यहाँ बहुत बड़े पैमाने में वायु प्रदूषण और रासायनिक जल प्रदूषण है। रासायनिक जल प्रदूषण के वजह से यहाँ के आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चंद्र वर्रा विधानसभा में पकड़ा जाए तो फोराजुक्त पानी पुरोड़ा हो रहा है। उसके बाद में बल्लारशाह विधानसभा में पकड़ा जाए वहाँ भी फोराजुक्त पानी भी पुरोड़ा हो रहा है। पूरी तरह से नदियाँ दूषित हो चुकी हैं। CTPS की फ्लाई ऐश इरे नदी में बहती आती है उस, और कोयले का केमिकल युक्त पानी भी आता है और बहुत सारे एविडेंस ऐसे प्रदूषण पे, उस पर मैंने अनगिनत आंदोलन भी किए और उसके वजह से कंपनियों कुछ बंद भी हुई और कुछ कंपनियों पे एक्शन भी हुआ है। हमारा एक मोटिव है इलेक्शन जीतने के बाद में जो पोल्यूशन के नियंत्रणा में जो नाम्स आते हैं कंपनियों को बाध्य करेंगे वो लगाए और अपनी कंपनी अच्छी तरह से चलाए। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए हम सबसे पहले प्रावधान देंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके साथ जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, एक तो महायुति के उम्मीदवार है सुधीर मुनगंटीवार, वो विधायक है यहाँ से, और साथ ही साथ प्रतिभा धानोरकर, ये महाविकास आघाड़ी इंडिया आघाड़ी से प्रत्याशी है। तो ऐसे में चुनावी टक्कर जो आप देख रहे हैं कि दिग्गज नेता आपके सामने हैं, तो आप क्या बताना चाहोगे चंद्रपुर की जनता को या आपके लोकसभा क्षेत्र की जनता को, क्योंकि कई मुद्दे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है। और जैसे कि आप पर्यावरण से जुड़े हो तो चंद्रपुर में तो मुख्य मुद्दा वही है कि पर्यावरण यहाँ का जो है प्रदूषण बहुत है, तो किस तरह से आप आगे जाने वाले हो? पहले जहाँ यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ स्थानिक युवाओं को 80% रोजगार का प्रावधान है, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने GR में एक कॉलम में महाराष्ट्र लिख लिया है, तो ये पूरे महाराष्ट्र स्थानिक ये शब्द आया है वो सबसे पहले हम वहां से मिटाएंगे और चंद्रपुर 80% और यवतमाल 80% स्थानिक रोजगार के लिए हम प्रावधान लाएंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ प्रकल्प ग्रस्त है, जो बड़ी राजा हैं अपनी खेती औद्योगिक कंपनियों को दिए और जो उनको रोजगार देने का था वो रोजगार मिला नहीं है। हम चुन के आने के बाद में 6 महीने के अंदर प्रकल्प ग्रस्तों को नौकरी पे लगाएंगे तो लगाएंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में हम लिख के रखे। उसके बाद में यहाँ वन जमीन में बहुजन समाज के नागरिक पीढ़ियों पीढ़ी क्षेत्र जमीन पे खेती कर रहे हैं उनको उनका खेत माल के हक दिला के रहेंगे। उसके बाद में यहाँ जो हेल्थ व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र में MBBS डॉक्टर नहीं, उस पर हम काम करेंगे, संसद में आवाज उठाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे OBC जनगणना होनी चाहिए संसद में, उसके लिए कटिबद्ध रहेंगे कि जब तक ये जनगणना होंगी नहीं तब तक संसद में जाके हम आवाज उठाते रहेंगे। उसके बाद में जो यहाँ का आदिवासी हो, बंजारा समाज हो, OBC समाज हो, उनके लिए हॉस्टल के प्रावधान कम है, उसमें हम तत्काल हॉस्टल के प्रावधान लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चंद्रपुर और यवतमाल जिले में जो प्रदूषण से ग्रस्त है उनके हेल्थ को प्रॉब्लम है उनको फ्री हेल्थ सेवा प्रदान करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जिला परिषद के जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, केंद्रीय स्कूल हैं, उसको उच्च दर्जे की शिक्षा में परिवर्तन करेंगे और नई इमारतें भी बनाएंगे, क्योंकि आने वाले जो पिछले जो सांसद रहे और जो आमदार रहे उन्होंने स्कूलें बनाने के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं रखा, उन्होंने व्यायाम शाला बनाए, क्योंकि बच्चे पढ़े ना बुद्धिजीवी ना बने, अनपढ़ रहे और हमारे पीछे बॉडीगार्ड करके घूमे, वो हम सबसे पहले नष्ट करने की कोशिश करेंगे।
ऐसी अनगिनत सब जो विषयों को लेके हम चुनाव प्रचार में उतरे हैं। बिल्कुल, अब जो है लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में प्रचार प्रसार में सभी पार्टियां जुड़ गई है, आपकी ओर से भी प्रचार चल रहा है, तो कोई आपके वंचित बहुजन आघाड़ी से दिग्गज नेता आने वाले हैं प्रचार के लिए चंद्रपुर में? वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाड़ा साहब अम्बेडकर 10-11-2 दिन यहाँ पे प्रचार सभा के लिए आने वाले हैं और चाहे तो रोड शो भी करने वाले हैं, और उसके बाद में पार्टी के जो प्रवक्ता वगैरह हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष वगैरह वो भी आने वाले हैं, और प्रचार हम जोरों से करेंगे। बहुजन समाज हमारे साथ में है और बहुजन समाज के आशीर्वाद से हम विजय प्राप्ति करेंगे। बिल्कुल, क्या बताओगे, क्या एक एजेंडा लेकर आप जनता के पास जा रहे हो? विकास, बेरोजगारी, सेत जमीन जो प्रदूषण से नापिक हुई उसको सुपिक बनाएंगे, और जो बड़ी राजा उसको हमी भाव नहीं मिलता सेत जमीन को, वो दिलाने के लिए संसद में आवाज उठाएंगे। बेरोजगारी तो है, एजुकेशन सेक्टर में प्रावधान लाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे, प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी पे लेंगे, जो स्थानिक रोजगार का जीआर है उसको सिर्फ चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र गढ़चुड़ी यवतमाण स्थानिक लोगों को 80% प्रावधान मिले, इसके लिए हम संसद में आवाज उठाएंगे। क्या अपील करना चाहोगे जनता से हमारे माध्यम से? जनता से अपील है कि आपने देखे हैं कांग्रेस बीजेपी का राज और उनकी राजनीति, अभी वंचित की जो विकास धारा है प्रकाश जी आम्बेडकर ने जो हर समाज के तत्वों को सीटें दी है जो संविधान में लिखा है उस तरह से हमारे प्रकाश जी आम्बेडकर काम कर रहे हैं, उसी तरह चंद्रपुर से मैं लोकसभा में जाने के बाद में वही काम करते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के चुनावी महासंग्राम में वक्त चला है यही रुकने का, देखते रहिए बीसीएन न्यूज़, नमस्कार।